हेलो, आवाज आ रही। देखो, आप सभी को नया अकाउंट बनाना पड़ेगा सुजिया जी पर। सब लोगों को, जिन लोगों ने पहले काम किया भी है लेवलिंग में, तो उनको भी नया ईमेल बनाकर ज्वाइन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है सुजिया जिया साइट पर। सुजिया जिया सर्च करना तो आ जाएगा। पहली साइट खोलना, यार मेरा कीबोर्ड नहीं करेगा काम इसको। देखो, यहाँ पर क्लिक करना, देखते जाना। अरे यार, वेट 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 वेट, भूल गए। दिख रहा, ठीक है। सुजी एरिया सर्च करना है। ये लिखा है SHUJIA GIA, सुजी एरिया। अभी मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ। सुजी एरिया सर्च कर लेना, ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए आएगा तो चाइनीज में ही लगा रहने देना। देखने के लिए लगा सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसके बाद फिर से चाइनीज में लगाना पड़ेगा जब एक्सेस होगी साइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद देखना है तो फिर से ऐसे कर लेना, साइन अप करना है आपको। साइन अप नाउ, चाइनीज में करके साइन अप करना है। पुराने अकाउंट से कोई मत करना, कुछ भी मत करना, वरना नहीं होगा कुछ, ठीक है। अलग करना पड़ेगा, एक अकाउंट से एक ही गेम ज्वाइन होती है। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है। जैसे मेरा ये डाला था आकाश आर्य, आकाश आर्य। इसके आगे एक सेकेंड, अभी काम नहीं करेगा यार क्या। हाँ, साइन अप करना पड़ेगा सबसे पहले। वो अपना नहीं है, पहली बात तो वो अपना है ही नहीं, ठीक है। हम लोगों को हर प्रोजेक्ट के लिए न्यू न्यू अकाउंट ही बनाना है। ये भी नहीं है, मतलब कोई अदर लोग भी लाते हैं कोई अलग अदर प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी न्यू अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले देखो ऐसे करना अपने नाम के आगे या फिर 6D लगा देना। हेलो, नाम के आगे अपना जो नाम लिखना है उसके बाद 6D लगा लेना, 6D यूजर नेम में, ठीक है। हेलो, उसके बाद पासवर्ड रखना है। पासवर्ड जो भी डाल लेना, अब बना लेना अपने हिसाब से जो भी बनाना है। ठीक है, ये करना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। कोई भी सिंबल मत लगाना, एड रहा हैज या डॉलर साइन, कुछ भी मत लगाना। ये सब सिंपल पासवर्ड बनाना पड़ेगा, वरना बनेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे वाले पे सिलेक्ट कर देना। अगर देख नहीं रहा हो तो यहाँ से करके उसको देख सकते हैं, चेंज करके क्या है, पासवर्ड ना हट जाए बस। हाँ, यहाँ पे मेल पर सिलेक्ट कर देना है, फिर से इसको चाइनीज में कर लेना है। अपना मेल एड्रेस डालना है, ये ठीक है। और इसके बाद कैप्चा फिल करना है, 7-6 = 1, टिक लगाना है, साइन अप। ये पहले यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ये ब्लू कलर वाले पे, ठीक है। वेरीफाई हो गया, आप फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो OTP पहुंच जाएगा ईमेल पर। स्क्रीन दिख रही है ना सबको, क्योंकि मेरा नेट चला जाता है तो दिखता नहीं है, तो बताते रहना। जो भी मेल आए उसका OTP डालना है यहाँ पे। उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो गया। क्लिक करेंगे स्क्रीन को। उसके बाद आपको जाना है इस वाले आइकन पर, थर्ड वाले पर।
यहाँ पर मैं आप सबको एक चाइनीज में ये टेक्स्ट दूंगा, इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ सर्च बॉक्स में पेस्ट करना है, सर्च कर देना है, ये दिखेगा। इस वाले ऑरेंज आइकन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे इसको। यहाँ से आपका काम खत्म हो गया। अभी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट को आपकी आईडी को या आपकी आईडी में टास्क असाइन करेंगे, फिर उसके बाद जाना है आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर। टास्क असाइन हो जाएंगे, फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे जाकर फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले पे जाना है ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ आपको टास्क दिखने लगेंगे, जो भी आपका आपको टास्क आसान हो जाएंगे तो यहाँ से दिखने लगेंगे। आपको काम करना स्टार्ट कर देना। अभी मैं लॉग आउट करके अपने आईडी से लॉग इन करके दिखा देता हूँ। अरे भाई अपना बंद कर लो माइक, फिर आपको लॉग इन करके कैप्चा फिल करना है। लॉग इन कर देना, यहाँ पर ऐसा आएगा तो यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे टिक मार्क लगा के ओके कर देना। फिर जाएंगे अपने टास्क में, यहाँ क्लिक करके इसकी वीडियो भी डाल दूंगा, देख लेना वीडियो भी अगर कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। सेकंड वाले को आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको जाना है फर्स्ट वाले पे पहले, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रांसलेट कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको चाइनीज में ही इसको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेगा काम। स्क्रीन दिख रही है? हाँ तो थोड़ा बहुत लेट हो जाए चलेगा, लेकिन अब दिखा कुछ चित्र, दिखा है इमेज, दिखी, ठीक है। हाँ ये इमेज है आपकी, इसको आपको ये जो बॉक्स बने हैं ये दिख रहा है? थोड़ा दिख रहा होगा कलर में, ये बॉक्स है। इन बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है आपको टाइप करना है। यहाँ पे भी दिख रहे हैं लाइन से, यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको। इस वाले यहाँ पे छोटे आइकन में क्लिक करके इनको हटा देंगे साइड में पहले, और फिर करेंगे एडिट, एडिट पर क्लिक, ठीक है। देखिए आपको उसके बाद जाना है आपको सेटिंग पर। यहाँ पे ये लगा होगा डिस्प्ले आईडी लेवल, यहाँ पे डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट पर क्लिक कर देना है, तो आपको जो भी आप लिखोगे अलग से देखने लगेगा कि किस पर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिखना है, और इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल, ठीक है। जैसे ये लिखा है नेचुरल, इस पर राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा बॉक्स खुल जाएगा लेवल वाला, उस पर रख के राइट क्लिक करना है तो खुल जाएगा। अभी आपको यहाँ पर टाइप करना है जो भी लिखना है वो आपको। मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ, जो नए हैं उनको मैं बता दूंगा कैसे करना है, ये इनपुट टूल कैसे करना है। यहाँ पर हिंदी लगा लेना है, अभी इसमें लिखा क्या था नेचुरल तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसको नेचुरल लिखना है आपको हिंदी में, जो भी लिखा है हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि ये लिखा है पीके फीड्स, या फीड लिखा है, मान लो फीड लिखा है, ठीक है। फीड में आपको देखिए फीड लिखा है, फीड में आपको एफ समझ में आ रहा है, ई समझ में आ रहा है, और जो सेकंड वाला ई है फीड में वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है। ये ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, स्टार, स्टार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डी, ठीक है ऐसे लगना है। हाँ क्या
समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, जो वर्ड समझ में ना आए, जैसे अगर फीड में आपको सेकंड वाला ही समझ में नहीं आया तो उसके बाद ब्रैकेट में स्टार लगा देना, ऐसे टाइप करना है, समझे ना। जो वर्ड समझ में नहीं आया उसकी जगह पे ब्रैकेट में स्टार लगाना है। हाँ जैसे हेलो वर्ड में है, हेलो में आपको सेकंड एल समझ में ना आया, जो भी समझ में ना आया, ई समझ में ना आया, जैसे सेकंड एच ई समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ब्रैकेट लेना है, स्टार क्लोज, ऐसे लिखना है, ठीक है, क्लियर है। हेलो, हाँ, और सेम चीज हिंदी में भी है, हिंदी में भी अगर जो वर्ड समझ में ना आए, जो अक्षर समझ में ना आए, तो उसमें ऐसे करना है। अभी देखो यहाँ पे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, पौष्टिक पशु आहार लिखा है लेकिन पौष्टिक और पशु दिख रहा है यहाँ पे इसमें, तो ये इसमें पूरा ही स्टार लगा सकते हैं, पूरे में भी ऐसे ब्रैकेट बना के स्टार करके ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं, पूरे में भी, लेवल में, और बाकी जो जो समझ में आ रहा है वो लिखेंगे, जो नहीं आ रहा है उसमें ब्रैकेट में स्टार लगा के ओके कर देंगे सबमिट, ठीक है। एक एक करके सारे करना है इनको, जो भी आप लिखते जाओगे उसमें ऊपर लिखता जाएगा, जो भी टाइप करोगे ऊपर लिखता जाएगा अगर कंप्लीट करते जाओगे, ठीक है। ये 10 10 11 लेवल्स है। माउस का राइट क्लिक करोगे तो ये बॉक्स खुलेगा, बॉक्स पर रख के राइट क्लिक करोगे तो खुलेगा, इसमें टाइप करना है जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, हिंदी में लिखा हो इंग्लिश में लिखा हो, हाँ उसी बॉक्स पर रख के राइट क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपको इमेज ऊपर नीचे खिसकानी है, ऊपर नीचे खिसकानी है, तो राइट बटन को ही स्क्रीन पे कहीं पे लेवल के बाहर कहीं पे होल्ड करके ऐसे खिसका सकते हैं माउस के राइट क्लिक से, दिख रहा ना। हेलो हेलो, हाँ दिख रहा ना, माउस के राइट बटन से होल्ड करके इसको खिसका सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके इस बॉक्स को खिसकाना है, तो इस बॉक्स को खिसकाने के लिए लेफ्ट क्लिक से खिसकाना पड़ेगा, इस बॉक्स को इमेज खिसकेगी राइट क्लिक से और बॉक्स जाएगा लेफ्ट क्लिक से, ठीक है। और ये सब लगे यहाँ, इनको कहीं भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी नहीं है, जो लिखा है वही लिखते जाना है, ओके कर देते रहना है, स्पेस से नहीं करना, क्लिक करके करना है ओके। जूम करना है तो माउस के व्हील से होगा जूम, जूम इन जूम आउट, कहाँ पे ये नहीं, जो जो बॉक्स में लिखा है बॉक्स में ही करना है, जो बॉक्स में लिखा है वही टाइप करना है, बाहर का कहीं का कुछ भी नहीं करना है। हाँ ये लिखा है इंग्लिश में, ये भी करना है, कॉमा लगा है कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगा है फुल स्टॉप लगाना है, जो जहां समझ में ना आए वहां पे उस ब्रैकेट में स्टार लगाना है। हाँ क्या इमेज के 5 पार्ट हैं, एक इमेज के क्या मतलब, एक बैच के हैं, एक बैच में 5 इमेजेस हैं, हाँ ठीक है। और आपको पेमेंट पेमेंट मिलेगा पर लेवल के हिसाब से मिलेगा, जो भी पेमेंट बताया आपको पर लेवल के हिसाब से मिलेगा, मतलब पर बॉक्स के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अभी आप नेचुरल टैग है, नेचुरल टैग लिखोगे उसका पेमेंट है, और नेचुरल टैग पशुआर है उसका पेमेंट है, इसका पर बॉक्स का पेमेंट है, चाहे कितना भी लिखाओ, अभी इतनी बड़ी लाइन लिखी है इसमें, तो इतनी बड़ी लाइन का एक ही पेमेंट है जो भी पेमेंट बताया, ठीक है, और पर बॉक्स के हिसाब से है पेमेंट, पर इमेज के हिसाब से नहीं है। हाँ, बता रहे हैं, वही बताते जा रहे हैं। देखो कंप्लीट करने के बाद पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको सेव करना नहीं बोल रहा है, अगर सेव नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा, अगर आप दूसरे सेकंड इमेज पे क्लिक कर दोगे बिना सेव किए तो ये फिर से हट जाएगा, तो यहाँ पे इसको निकाल के सबसे पहले सेव कर देना है हमें, ठीक है, ऐसे सेव कर देना है ऐसे सेव कर देंगे, जब सारे लेवल हो जाएंगे तभी आपको सबमिट करना है, वरना सबमिट होगा ही नहीं, एरर आएगा। और जैसे यहाँ पे अगर मैं मानूँ अगर यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपको कहीं बाहर सिलेक्ट करना है, ऐसे बाहर कहीं क्लिक कर दोगे एक भी लेवल पे, यहाँ पे है ना, इस पर क्लिक ना रहे तभी होगा ये सबमिट, सबमिट पे क्लिक कर दो, एक एक करके 5ों कर लोगे, सबमिट करते जाओगे सेव करते जाओगे, तो यहाँ पर ये रेड हो जाएगा फिनिश का बटन,
फिनिश करके कंप्लीट कर देंगे इस बैच को, तो फिर उसके बाद नया बैच ले लेंगे, समझे। हेलो, हर इमेज को वन बाई वन करके सेव करना है, सबमिट करना है, उसके बाद पांचों हो जाएंगी तो ये रेड हो जाएगा फिनिश वाला बटन, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है पूरे बैच को, फिर नया बैच ले लेना है अगर करना हो तो। हाँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, वो तो डालूंगा ही। अभी इसको देखो, अभी जो है तो सामने सवाल जवाब हो जाते हैं तो सही रहता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट है, ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है। और अभी देखना, ट्यूसडे को ये इस प्रोजेक्ट का एंड है, इसको बिना कंप्लीट किए नहीं छोड़ना है कोई बैच। अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पाओगे, कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो बैच को स्टार्ट ही मत करना। अगर स्टार्ट करना है तो आपको पांचों कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने वो बोनस बताया है तो कितना बताया था मैं, 2000 में, 2000 लेवल, 2000 लेवल प्लस हो गया तभी उसका बोनस मिलेगा, ठीक है। वरना आपको जो नॉर्मल पे रेट है वही है, याद रखना। 2 दिन है, जितना कर सको कर लो, इजी काम है, दिन में ही पूरे दिन में कर सकते हो 2000 आराम से। तो सब क्लियर है ना। अभी आपको सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर करना है और गिल्ड ज्वाइन करनी है। हाँ, कहाँ पे? हाँ, करेगा करेगा, वो पूरी लिस्ट मिलेगी हम लोगों को, तो हो जाएगा, आ जाएगा पूरा। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे गिन लेना कि आप बोनस के लिए अपने हिसाब से गिन लेना कि कम ना हो, और बाकी वो तो आ जाएगा पूरा कंप्लीट। यहाँ पर कहीं पे इस पर क्लिक नहीं करना है, कहीं पे आपको इम्प्लीमेंट पर ही आना है। नहीं, पेमेंट मुझे मिलेगा, मैं यूपीआई के थ्रू दूंगा आप लोगों को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी पेमेंट के लिए। अभी उन्होंने बोला पर बैच का कंप्लीट के हिसाब से 1 वीक बोला है, तो 1 वीक से 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है लेट, तो देखेंगे कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट कर दो, अभी मुझे पता नहीं, अभी 2000 लेवल का अभी देख लो। अभी यहाँ पे इतना लिखने में कितना टाइम लग जाएगा, इतना नेचुरल टेक्स्ट लिखने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। हाँ, तो लिखना ही तो है, ये लेवल ही तो है नेचुरल टेक। देखो, किसी में दो दो वर्ड ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, अभी अभी देखो, ये छोटे छोटे वर्ड हैं, नेचुरल टेक एक एक वर्ड है, पी के फीड एक वर्ड है, मतलब एक दो है, डेढ़ समझ लो, तो ये 100% है। इसका भी लेवल करना है तो इसका भी ऐसे करना है। यहाँ पे डॉट लगा है गोल वाला, तो इसको भी लगाना है, और एक वर्ड और। हाँ ठीक है, जितना भी हो। तो सुनो, और एक बात, और इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो गलत होते हैं, मतलब हिंदी में भी गलत लिख देते हैं वो लोग,